नमस्कार, सिर्फ तेज ही नहीं सच भी। आप बने रहे JNI न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNI न्यूज। मैं अभी मौजूद हूँ अर्जुनगंज MMO चौराहे पर। आपको बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन का पूरी तरह से एक शांतिपूर्वक देखा जा रहा है, और आपको हम बताना चाहेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश प्रशासन ट्रैफिक नियम ट्रैफिक पुलिस जो भी है इस जगह पे पूरी तरह से एक कार्यरत नजर आ रहे हैं। आपको हम बताना चाहेंगे या किसी भी व्यक्ति बिना मास्क का और बिना हेलमेट का इस चौराहे से आगे एंट्री नहीं ले सकता। आपको हम बताना चाहेंगे प्रशासनिक तौर पे बिल्कुल हाई अलर्ट पे नजर आ रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में आज अगर देखा जाए कि कोरोना के बढ़ते हुए जो तीसरा चौथा स्टेप लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और इसका पूरी तरह से ये चौराहे बिल्कुल सुनसान नजर आ रहे हैं। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि इस टाइप के आपका शहीद पद की तरफ से भी किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति आना जाना नजर नहीं आ रहा है। एक मोटरसाइकिल में दो पैसेंजर की अलाउड नहीं है, और किसी भी आम नागरिक इस चौराहे से लखनऊ हो किसी भी दिशा पे हो बिना मास्क का नहीं जा सकते। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे यहाँ अधिकारी भी सब मौजूद है, और आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी तरह से कोई भी लापरवाही बरताने जा रहा है। यार हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन का एक बहुत बड़ा छवि है इस कोरोना को लेकर, हम बधाई देना चाहेंगे। और इस तरफ आप देख सकते हैं राज्य से लेकर अभी तक पूरी तरह से हाई अलर्ट पर खड़े हैं। बहुत ही मजबूती घड़ी का सामना कर रहे हैं, और ये कोरोना इतना बड़ा घातक बीमारी है। हमारे पास आप क्या मौजूद है और साहब किस तरह से इसका लगभग इसका जो प्रोजेक्ट कर दिया जा रहा है, आम लोगों का इसको एंट्री नहीं किया जा रहा है, इस विषय में बताओ बता दीजिए कि कोरोना का किस तरह से आप यहाँ पे एक्टिविटी है। वापस किया जा रहा है सर। दो पहियों वाहन पर जैसे जो लोग जा रहे हैं और बिना मास्क
आपके तो उससे क्या कार्रवाई की जा रही है? हाँ, तो अगर दो पहिया वाहन बिना मास्क के जा रहे हैं तो 28 के तहत उनके 188 के तहत उनके खिलाफ रोड सरकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। सर, इससे कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर के आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, कोरोना COVID-19 के साथ मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जनता साफ सफाई से और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए और जितने डॉक्टर्स के द्वारा और हमारे सरकार के द्वारा सुझाव दिए गए हैं तो उसको पूर्ण रूप में फॉलो करें। ठीक है, देख सकते हैं इस वक्त मैं हाईकोर्ट चौराहे पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अभी हलचल मची थी। आज लॉकडाउन 3 दिन लॉकडाउन को लेकर के पूरा सन्नाटा छाया हुआ है और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पे नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं, मैं हूँ दिवाकर, आपको साथ और